नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली फिलोसफी स्टडी चैनल पर। आज हम बात करेंगे और जानेंगे दर्शन क्या है और इसका अर्थ क्या है, दर्शन फिलोसफी से कैसे भिन्न या अलग है, हमारे जीवन में इसका महत्व क्या है, दार्शनिक कौन होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं दर्शन के अर्थ से। आखिर दर्शन का अर्थ क्या होता है? दर्शन शब्द संस्कृत के दृश्य धातु से बना है जिसका अर्थ है देखना, इसलिए दर्शन का अर्थ हुआ जिसके द्वारा देखा जाए। पर ध्यान रहे, यहाँ देखना का मतलब पूरा पूरा आँखों से ही देखना नहीं है, बल्कि तार्किक एवं अंतर्दृष्टि से देखना। इसे थोड़ा सा हम और डीपली समझते हैं। दृश्यते अर्थार्थ तत्व मने, अर्थात जिसके द्वारा अर्थात तत्व की अनुभूति हो या अनुभव हो, वही दर्शन है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर किसके द्वारा देखा जाए, तो इसका सही उत्तर होगा दर्शन शास्त्र के द्वारा। दर्शन शास्त्र में अनेकों मतों पर परमाणु द्वारा चर्चा किया गया है। जो व्यक्ति दर्शन शास्त्र को जीता है उसे ही दार्शनिक कहा जाता है। आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं फिलोसोफी का अर्थ के बारे में। तो ज्यादातर लोग अक्सर फिलोसोफी को दर्शन समझते हैं, किंतु यह सत्य नहीं है। फिलोसोफी ग्रीक शब्द के फिलो और सोफिया से बना है, जिसका अर्थ प्रेम या अनुराग और ज्ञान है। इस प्रकार फिलोसोफी का अर्थ ज्ञान से प्रेम है। इसलिए जो पाश्चात्य फिलोसोफर या दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने इसी अर्थ में दर्शन का प्रयोग किया है। यानी पाश्चात्य दार्शनिकों का एकमात्र उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति और उससे प्रेम में है, ना कि जीवन सुधार में। इसके ठीक विपरीत भारतीय दर्शन का उल्लेख ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ दुख निवृत्ति आदि भी है। अब हम जानते हैं हमारे जीवन में दर्शन का महत्व क्या है। दर्शन हमें चीजों को देखने और उसे समझने का नजरिया देता है, इसलिए दर्शन हमारे जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक निजी दृष्टिकोण एवं दर्शन है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक है, पर वह अच्छा दार्शनिक या बुरा दार्शनिक भी हो सकता है। दर्शन व्यक्ति को तार्किक बनाता है। वह किसी भी दर्शन या किसी के विचार को ऐसे ही नहीं स्वीकार कर लेता, वह कई प्रश्न करता है। कुछ लोग विज्ञान द्वारा सनातन धर्म में हुए कुछ घटनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाकर यह सिद्ध करते हैं कि सिर्फ विज्ञान ही मानव सभ्यता का भविष्य है, इसलिए विज्ञान को जीवन में लाना हितकर है। समाज में बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो अवैज्ञानिक है और मानव सभ्यता के लिए हानिकारक है। यज्ञ हवन जब तब अवैज्ञानिक है। विज्ञान से ही मनुष्य उन्नति की ओर बढ़ सकता है, इसलिए विज्ञान को ही अपनाना चाहिए। अब कुछ भोले भाले लोग जो हैं इस दृष्टिकोण को सही मान लेते हैं और भारतीय संस्कृति को छोड़ देते हैं। किंतु यदि व्यक्ति दर्शन को समझता तो वह विज्ञान से प्रश्न करता, जीवन क्या है, इस संसार की प्रकृति क्या है, व्यक्ति इस संसार में क्यों आया है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, मृत्यु क्या है, क्या मृत्यु के पश्चात कोई और जन्म होगा, समाज में कैसे रहना चाहिए, दुख क्या है और इससे छुटकारा कैसे मिले, सभी व्यक्ति सुखी क्यों चाहते हैं। विज्ञान इन प्रश्नों पर स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाता, और जो उत्तर मिले हैं वह स्पष्ट है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि विज्ञान पहले कुछ कहता है और बाद में कुछ कहता है। जो लोग पहले विज्ञान के सिद्धांतों को मानते थे वो अपना जीवन अज्ञान में बिताते मर गए, और जो आज विज्ञान पे भरोसा करते हैं, क्या पता उनके मरने के बाद जिन सिद्धांतों को मानते हैं वो सिद्धांत गलत सिद्ध हो। इसलिए विज्ञान पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। हाँ, पर ये बात सही है कि विज्ञान ने जीवन को आसान बना दिया है। तो ये सभी प्रमाण दर्शन शास्त्र में बताया गया है। उपयुक्त प्रश्नों को भारतीय दर्शन द्वारा लिया गया है और हमें इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहिए, इसलिए इनके विषय में चिंतन तथा मनन एवं सत्य के वास्तविक स्वरूप को समझना आवश्यक है, क्योंकि दर्शन जो है वो समाज को दिशा देता है, इसलिए दर्शन को पढ़ना बहुत जरूरी है। आप प्रैक्टिकल लैब से भी जान सकते हैं दर्शन का महत्व। सभी विषयों का विकास है वो दर्शन से हुआ है, इसलिए दर्शन को सभी विषयों की जननी कहा जाता है, और इसलिए सभी विषयों में विशेष योग्यता हासिल करने पर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि दी जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ऑल कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों, आप सभी को ऐसे ही दर्शन शास्त्र के ऊपर वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल वाले बटन के ऊपर प्रेस करें, ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, ताकि दोस्तों आप सभी को वहां पे भी हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।